यदि आपको किसी के धर्म के बारे में जानकारी नहीं है तो आपको उनके बारे में कहने का भी कोई अधिकार नहीं है। ये हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर लगातार जैन धर्म के बारे में युवा वर्ग कुछ भी अनर्गल पोस्ट कर रहा है। ताज़ा मामला है मुंबई के रहने वाले डेनियल फर्नांडिस का, जिन्होंने भरे मंच से जैन समाज का हास्य व्यंग करते हुए मजाक उड़ाया। Dan, are these the same Jains who own meat export businesses? ये बहुत ही गलत निंदनीय है। मैं इस वीडियो के माध्यम से डेनियल जो कि कॉमेडियन है, हर चीज की कॉमेडी नहीं होती भाई। मुंबई के रहने वाले भारतीय स्टैंड अप कॉमेडियन डेनियल फर्नांडिस भारत में सामाजिक मुद्दों पर स्टैंड अप कॉमेडी करने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन अब हाल ही में डेनियल फर्नांडिस पर उनकी कॉमेडी भारी पड़ गई, जब डेनियल ने भरे मंच से ईद पर जैन समाज द्वारा सुरक्षित किए गए बकरों के विषय को लेकर हास्य व्यंग करते हुए बहुत गंदा मजाक उड़ाया। साथ ही यह भी कहा कि जैन समाज कत्ले खाने चलाती है। तो सुनिए डेनियल फर्नांडिस ने और क्या कुछ कहा। Dan, are these the same Jains who own meat export businesses where they profit off the slaughter of animals? No, those are different Jains. We are not allowed to talk about them. Don't ask stupid questions. But Dan, why would they disguise themselves as Muslims to do this? I don't know. I don't know what king's people have. इतना ही नहीं, मजाक करते वक्त मर्यादा भूले डेनियल ने ये भी कहा कि कत्ले खाने के साथ ही मीट एक्सपोर्ट का बिजनेस भी अहिंसक जैन समाज के लोग करते हैं। Disguise themselves as Muslims and then purchased 124 goats to save them from being sacrificed. So now to get back at them, at the next Jain festival, some Muslim men are going to disguise themselves as Jains and bury all their food underground. डेनियल फर्नांडिस के जैन धर्म के ऊपर किए गए हास्य के खिलाफ विश्व जैन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जैन द्वारा दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज करा दी गई है। जो लोग इन बकरों को जी को के एक अलग नजर से देख रहे हैं, जैनों की अहिंसा पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं, आप सावधान हो जाएं। अगर आपके द्वारा सोशल मीडिया में इस प्रकार की जानकारी मिली तो हम उसके लिए साइबर क्राइम दिल्ली पुलिस में कंप्लेंट करेंगे। और डेनियल के अगेंस्ट हम लोगों ने एक कल रात साइबर क्राइम दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी है। डेनियल फर्नांडिस का ज्ञान शायद अधूरा था। उन्हें ये नहीं पता कि जैन समाज द्वारा जीव दया के कार्यों में कई बकराशालाएं भी संचालित हैं, जो अनगिनत हैं। दिल्ली के पास जिला बागपत में अमीनगर सराय में जैन समाज द्वारा बकराशाला संचालित है, जिसकी स्थापना 2016 में की गई थी। अमीनगर सराय में जिसमें सैकड़ों बकरे पाले जा रहे हैं, गत वर्ष जून 2023 में भी 46 लाख रुपए में 250 बकरों को खरीद कर यहां लाया गया था। वहीं बलि के लिए आने वाले सभी बकरों को जीवन दान हेतु 102 वर्ष पुरानी बकराशाला मारोठ में जैन समाज द्वारा संचालित की जा रही है। नागौर जिले में जहां पर भैरव बाबा के मंदिर में आज से 102 वर्ष पूर्व जैन समाज ने वहां पर दी जाने वाली बलि को रोकने हेतु निवेदन किया और मंदिर कमेटी ने वहाँ की मंदिर कमेटी ने असमर्थता जाहिर की कि अगर वो बलि को रोकेंगे तो बलि के आने वाले बकरे कहाँ जाएंगे। तो जैन समाज ने वो जिम्मेदारी लेते हुए 30 सितंबर 1922 को, यानी कि आज से 102 वर्ष पूर्व से लेकर आज तक बलि के लिए आने वाले सभी बकरों को जीवन दान देते हुए पाला जाता है। डेनियल फर्नांडिस ने कहा कि जैन समाज मांस निर्यात करता है। उस पर संजय जैन ने कहा कि बोलने से पहले जांच करना जरूरी है। डेनियल जो कि कॉमेडियन है, हर चीज की कॉमेडी नहीं होती भाई। जैन समाज की अहिंसा को पर बोलने से पहले आप उसके बारे में चिंतन करते, जांच करते। आपने बोला जैन समाज मांस निर्यात करता है, ये बहुत ही दुखद है। अगर है तो आप उदाहरण देकर बताइए। जैन समाज अब डेनियल से ये जानना चाहता है कि वो बताए कि किस जैन के नाम से मीट एक्सपोर्ट बिजनेस यानी कि कत्ले खाने चलाए जा रहे हैं। जैन फोकस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।